किया होगा। और ये पक्षी है टिटहरी, जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए इतनी तेज धूप और इतनी तेज लू चल रही है, लू के अंतर्गत भी ये बैठी हुई है, इतनी तेज धूप और लू को सहन करती हुई अपने अंडों की सुरक्षा के लिए दिन भर अंडों में बैठी हुई रहती है इतनी तेज धूप में भी। तो एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे दिन भर धूप के अंदर बैठी हुई रहती है। तो चलकर देखते हैं कि टिटहरी के अंडे कैसे होते हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। वो उठ गई है, उठ करके रवाना हो गई, जैसे पास जाने की कोशिश की तो जा रही है, तो आवाज़ करने लग गई है, आवाज़ कर रही थी जिस पास में जा रही थी। तो देखिए अंडे, टिटहरी के अंडे कैसे होते हैं। ये रे टिटहरी के चार अंडे होते हैं और चार ही अंडे ऐसे होते हैं, देख लीजिए, चारों के मुँह अंदर ज़मीन की ओर धसे हुए हैं। दोस्तों, आपने जो अभी टिटहरी के अंडे देखे, उन अंडों के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि कुछ लोगों की गलत धारणा, और गलत धारणा क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि टिटहरी है जो अपने अंडों को पारस पत्र से फोड़ करके चूजों को बाहर निकालती है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई पारस पत्र का प्रयोग नहीं करती अपने अंडों को फोड़ने के लिए, अपने चूजों को बाहर निकालने के लिए किसी पारस पत्र का प्रयोग नहीं करती है। ये जो भी कहते हैं कि पारस पत्र का प्रयोग करती है, वो बिल्कुल फेक न्यूज है, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरी आँखों से देखा सामने कि अभी 10 दिन पहले एक टिटहरी हमारे खेत पर ही अंडे दिए थे उसने, और पहले क्या चैनल नहीं बनाया था, चैनल अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, बाकी चैनल पहले ही बना देता तो मैं वीडियो बनाकर आपको सच्चाई बता देता। मैंने देखा अंडों को पास में जाकर, वो दरार चल रही थी, दो अंडों की दरार थी, दो की नहीं थी, दो की थोड़ी सी थी, दो की ज़्यादा थी, दरार थी अंडों के अंतर्गत। मैं दरार को देख कर दूर चला गया, दूर जाकर के मैंने देखा कि वास्तव में कहते हैं कि पारस पत्र का प्रयोग करती है, तो देखते हैं कि कैसे चूजे बाहर आते हैं। तो थोड़ी देर देखा दूर जाकर के, तो फिर वो दो चूजे जो उनके दरार आ रहे थे अंडों के, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो दरार से अंडा फूटा और दो चूजे तो बाहर आ गए ऑटोमेटिकली, वो अंडा फूट करके, और दो चूजों को जो टिटहरी ने अपनी चोंच से हल्का हल्का दे करके, दरार थी थोड़ी सी जो धीरे धीरे से चोंच से दे करके, चोंच मार करके अंडों को फोड़ कर चूजों को बाहर निकाला। तो वहाँ पर मैंने बाद में देखा कोई पारस पत्र नहीं था, अपने अंडों से निकाला उन्होंने चोंच का सहारा लेकर, चोंच से उनको धीरे धीरे से फोड़ कर, बाकी कहते हैं कि पारस पत्र से फोड़ दिया है अंडों को, ये बिल्कुल फेक न्यूज है दोस्तों। जो जो भी कहते हैं कि पारस पत्र का प्रयोग करती है, वो बिल्कुल गलत न्यूज़ दे रहे हैं आपको। मैंने मेरी आंखों से जो देखा वो आपको सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। और परंतु ये बात ज़रूर है कि ये पक्षी कभी भी एक तो पेड़ पौधों पर नहीं बैठता है, और इनके अंडों के बारे में ये मान्यता ज़रूर है कि वर्षा का, बारिश का पता इनके अंडों को देख कर लगाया जा सकता है, कि जैसे कोई मान लो कोई ऊंचाई पर अंडे दे रखे हैं तो कि बारिश अधिक होगी, और नीचे है इसका मतलब ज़मीन की खड्डा खोद कर है, इसका मतलब बारिश कम होगी, और अंडे जो ज़मीन के अंदर धसे हुए हैं, अभी आपको दिखाया चारों अंडों के मुँह अंदर धसे हुए, इसका मतलब है कि जो चारों महीने हैं बारिश के, चारों महीने बारिश अच्छी होने वाली है, इसका यही प्रमाण है, माना जाता है कि अंडे यदि ज़मीन के अंदर धसे हुए होते हैं तो बारिश अच्छी आती है। तो चारों अंडे अंदर की तरफ है ज़मीन में, इसका मतलब चारों महीने में बारिश होगी, ये ऐसी है धारणा कहते आए हैं। बाकी पारस पत्र वाली जो बात है वो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठी है। और ये अंडे कैसे लगे आपको, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताना दोस्तों। और आप कभी भी पारस पत्र के लालच में आकर के कभी भी अंडों को नुकसान मत पहुंचाना, ये ज़रूर आपसे विनती है, क्योंकि कोई कहते हैं कि पारस पत्र के चक्कर में आप अंडों को और टिटहरी को नुकसान मत पहुंचाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।